मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फिब्रीज देने के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पावरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना, रिश्वत देना करार दिया जाए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ऐसे राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना जाए। इसके साथ ही अदालत चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे कि वो चुनाव से पहले अवधि के दौरान राजनीतिक दलों को फ्रीबीज का वादा करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अन्य लंबित याचिका के साथ टैग कर दिया, यानी सबको एक साथ जोड़ दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को ये छूट दी है कि वो सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशन कर सकते हैं।